हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एच प्रिया भोजक चैनल। आज हम जानेंगे हिंदू धर्म के अनुसार जो 12 महीने हैं उनका नाम। 1957 में हिंदू कैलेंडर का निर्माण हुआ था। चंद्रमास के आधार पर उन महीने का निर्माण हुआ था। मुझे इसलिए लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को हिंदू कैलेंडर के अनुसार महीने का नाम पता नहीं होता। तो चलिए देखते हैं हिंदू धर्म के अनुसार कौन कौन से महीने आते हैं। तो सबसे पहले आता है चैत्र, दूसरा है वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा है आषाढ़, पांचवा है श्रावण, छठा है भाद्रपद, सातवां है अश्विन, आठवां है कार्तिक, नौवां है मार्गशीर्ष, दसवां है पौष, ग्यारहवा है माघ और बारहवा है फाल्गुन। तो ये सब थी हिंदू धर्म के अनुसार जो हमारा हिंदू कैलेंडर है उनके अनुसार महीने का नाम। और अब इस महीने का नाम पता होने की वजह से आपको जो भी व्रत त्यौहार और सब आता है तो आपको पता चल जाएगा पहले से कि अब ये महीना आने वाला है, तो ये व्रत या ये फिर त्यौहार इस महीने में आएगा। तो मैं आशा रखती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।